वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी सर खैरियत है सर। क्या लेके आए हैं सर? ये शामी टिक्की सर। क्या नाम क्या अपना? मोहम्मद अली उर्फ लब्बा। उर्फ लब्बा, अच्छा ये लब्बा टिक्कियां वाला आपके नाम से मशहूर है, आप ऑनर हैं यहाँ के? हाँ जी, हो गए 45-50 साल हो गए। 45-50 साल से इसी अड्डे पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस टाइम सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं आप लोगों को दिखाने लाया हूँ लाहौर में मिलने वाली मज़ेदार किस्म की अंडा टिक्की। यार जो अंडा टिक्की लवर्स है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं आज जो आपको अंडा टिक्की दिखाने वाला हूँ, यार क्या बात है उसकी। मैं ये नहीं कहता कि यार लाहौर की सबसे बेस्ट अंडा टिक्की ये है, लेकिन अगर हम कहें कि टॉप 5 मज़ेदार अंडा टिक्की लाहौर में जिस जगहों से मिलती है ना, ये जगह उनमें से एक है। यार बहुत कमाल टेस्ट है इसका, लोकेशन भी बहुत सिंपल है। यहाँ का सीन ये है कि यार आप सुबह के टाइम अगर माल रोड वाली साइड से आपका गुजर होता है, या आप ऑफिस जा रहे होते हैं इस साइड से, या आ रहे होते हैं, या किसी भी काम से आप माल रोड पे आते हैं, लब्बा टिक्की वाला इनका नाम है और इनकी टिक्कियाँ आपने लाजमी ट्राई करके जानी है। माल रोड पे चैरिंग क्रॉस का इशारा है, इशारे के बिल्कुल साथ ही जी ये अल्फला थिएटर है। अल्फला थिएटर के बिल्कुल बाहर ये बैठे हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 टिक्कियों वाले बैठे हैं, बाकी जो 2 हैं उनका टेस्ट भी मुनासिब है, लेकिन जो सबसे स्पेशल टेस्ट है ना वो है जी लब्बा टिक्कियों वाले का। लेकिन लब्बा टिक्कियों वाले का मसला ये है कि उसके नखरे थोड़े से ज़्यादा है, वो आता 11 बजे और बाकी जो 2 टिक्कियों वाले हैं वो सुबह को 7-8 बजे के टाइम पर आ जाते हैं। ये जो लब्बा है इसकी टिक्कियाँ खाने के लिए आवाम बड़ी बड़ी देर से इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन इनकी टाइमिंग है कि ये 11-12 बजे आते हैं और रात को कोई 1-1.5 बजे तक होते हैं। बाकी जो 2 टिक्कियों वाले हैं वो 3-4 बजे दोपहर को चले जाते हैं, लेकिन ये रात तक फिर बैठे होते हैं। तो मैंने पहले भी टेस्ट की हुई है और आज मैंने सोचा कि यार स्पेशल आप लोगों के लिए जो अंडा टिक्की लवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊँ। क्या डाला गया इसमें? नमक डाला है, दही डाला है, पुदीना डाला है। ये रायता तैयार कर रहे हो? ये रायता तैयार है। दही खालिस दही है कि मिलावट वाला है? ये अजय खालिस है, होन मिलावट वाला होएगा। मिलावट की मिलावट करने लगे हो? पानी डालना है। पानी डालने लगे हो? पानी डालना।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी सर, खैरियत है सर। क्या लेके आए हैं सर? ये शामी टिक्की सर। ये शामी टिक्की आलू और दाल चना। आलू दाल चना सर, मिक्स सर। ये चूल्हा जलाओ, लाइटर फड़ो बेटा, चूल्हा क्या नाम क्या अपना? मोहम्मद अली उर्फ लब्बा। उर्फ लब्बा, अच्छा ये लब्बा टिकियां वाला आपके नाम से मशहूर है, आप ऑनर हैं यहाँ के? हाँ जी। माशाल्लाह जी, तो कितने अरसे से आप यहाँ पे ये टिकियां लगा रहे हैं? हो गए 45-50 साल हो गए। 45-50 साल से इसी अड्डे पे हैं। अच्छा सौदा लेके आते हैं, अच्छा पकाई करते हैं, अच्छा बनाते हैं, इसलिए हमारा ग्राहक से डील भी अच्छी करते हैं, इसलिए आप ग्राहक जो से लाइक करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि ये दो टिकियां और बीच में अंडा शंडा डाल के और साथ दो नान अगर कोई ले तो कितने का उसका ये पूरा सेट पड़ता है? 180 रुपए का। दो टिकियां, एक अंडा, दो नान, 180 रुपए का दो। यहाँ पे दाल है, आलू है और बहुत मसाले हैं। अच्छा, खासियत जो है वो आपकी ये जो मसाला सामने पड़ा है इसकी है, ऐसे ही है? ऐसा ही है, ये प्याज है, अदरक, हरी मिर्च, थोम वगैरह सब कुछ डालता है। खास रेसिपी है ये आपकी, अपनी तैयार की हुई है? हाँ जी अपनी। ज़बरदस्त जी। अच्छा ये जो टिक्कियों में सारा टेस्ट निकलता है जी, ये जो इनका स्पेशल मसाला तैयार हुआ हुआ है ये इसका टेस्ट है, और ये वो कारीगर है जी जिनके हाथों से आपको ये टिक्कियाँ खाने को मिलेंगी। की नाम है जी अपना? नदीम। अरे नदीम साहब को टिक्कियाँ खाने तुझे आ गया, चेहरा मुबारक, याद रखना है। सर कैसा टेस्ट है टिक्कियों का? माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, काफ़ी अच्छे से आ रहा हूँ तकरीबन 6-7 साल से। 6-7 साल से इनकी टिक्कियाँ खा रहे हो? आपकी आता भी स्पेशल इधर ही दूर से। ओके, आप बात किधर से आते हो? मैं भोपाल में लाहौर कैंट से। काफ़ी दूर से इनकी टिक्कियाँ खाने आ रहे हो आप? ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। अच्छा यार ये ऑर्डर हमारा आ चुका है, इसमें हमने दो टिक्कियाँ लगवाई हैं, उसके अंदर एक अंडा मिक्स करवा के हमने ये ज़रा कचूमर टाइप इसका बनवाया है, जो प्योर अंडा टिक्की होती है वैसे ही बनती है। उसके साथ हमें रायता की ब्रेड दी है, इन्होंने साथ हमने लिए जी दो नान, और नान फुल मज़ेदार हैं जी, गर्मा गर्म नान, और इन्होंने तवे के ऊपर ही फ्राई की है इसको। और यार ये इस जो तवे के ऊपर फ्राई होते हैं ना नान, इसका अपना ही एक कमाल ही चाहता है इसका। साथ हम इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी टिक्की, कौन है?
यार ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह हम आपके लिए आके वीडियो बनाते हैं, लोग उस टाइम सोए होते हैं और हम उस टाइम सड़कों में निकले होते हैं हमारा गर्दी करने के साथ आप लोगों को पाकिस्तान के लाहौर के मज़ेदार किस्म के स्ट्रीट फूड दिखाने के लिए। तो यार इसी बात पर चैनल को एक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी जगह पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लब्बा टिक्की वाले को और आसिम को दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।